हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज जो क्लास हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं रिलेटेड टू नाउन, और ये नाउन का है पार्ट टू। इसके पहले मैंने पार्ट नाउन पर इंट्रोडक्शन का पार्ट वन बना दिया है। आज हम नाउन में बात करेंगे जेंडर की, कि नाउन में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जेंडर किस में आएंगे। और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि वहाँ पर जेंडर समझ में नहीं आते कि कौन सा जेंडर कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से जेंडर यहाँ पर यूज किए जाएंगे। एक ऐसा वर्ड जिससे हमें पता चलता है मेल एनिमल या मेल के बारे में, तो उस नाउन को हम बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा है कि एक ऐसा वर्ड जिसमें हमें फीमेल एनिमल या कोई चीज़ समझ में आती है तो उसे हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक, दो जेंडर आपके ये हो गए। नेक्स्ट है एक ऐसा नाउन जो ना तो मेल है और ना ही वो फीमेल है, उस नाउन को हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। उसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तीन जेंडर की बात करते हैं। हालांकि आपको बहुत सारी बुक्स में चौथा नाउन भी मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, जिसमें मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक, कॉमन जेंडर। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा वर्ड जिस जो मेल को शो करता है वो आपका मैस्कुलाइन जेंडर होगा, जो फीमेल को शो करेगा वो फेमिनाइन जेंडर होगा, और एक ऐसा नाउन जो ना मेल है ना फीमेल है, ठीक है, और निर्जीव है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे न्यूटर जेंडर बोलते हैं, जिसका हमें सेक्स मालूम नहीं होता है, वो भी आपका न्यूटर में ही आ जाता है रेन मार्टिन के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे जेंडर होते हैं उनमें हम सबसे पहले बात करें तो हम ज़्यादातर लिविंग बींस को जानते हैं कि हमारे जो लिविंग बींस होते हैं वो दो कैटेगरी के मोस्टली होते हैं। एक होता है हमारा मेल और सेकंड है आपका फीमेल। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स देखता हूँ, वहाँ पर आप थोड़ा देखें कि एक वर्ड है हमारा बॉय, अब बॉय एंड दूसरा वर्ड है गर्ल, तो इनमें आपको क्या समझ में आता है, बॉय रिलेटेड टू मेल एंड गर्ल क्या शो कर रहा है, ये फीमेल को शो कर रहा है। ठीक इसी तरह एक वर्ड है हमारा लॉइन, तो लॉइन कैसा है आपका मेल, एंड यहीं पर देखें लॉइनेस, तो ये क्या शो करता है फीमेल को। ठीक इसी तरह यदि हम एक वर्ड देखें हीरो और एक वर्ड देखते हैं हीरोइन, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, मेल और फीमेल में हमें यहाँ पर डिफरेंस समझ में आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हम जेंडर की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं जेंडर वर्ड आया कहाँ से। तो जेंडर वर्ड लैटिन भाषा के आपके जेनस वर्ड से आया है, जेनस, और जेनस का मीन्स होता है काइंड या सॉर्ट। ठीक है, जेंडर वर्ड लैटिन भाषा के जेनस वर्ड से आया है जिसका मीन्स होता है काइंड या सॉर्ट। ओके, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, आप उससे ध्यान से सुनिए। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो विदाउट लाइफ होते हैं, कैसे होते हैं हमारे विदाउट लाइफ। अब इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जब हम इन्हें पर्सनिफाइड कर लेते हैं, पर्सोनिफाइड क्या होता है कि एक ऐसी निर्जीव चीज जिसे हम सजीव मान लेते हैं स्पोकन में, ठीक है ना, या हम उनके साथ लिविंग बीइंग जैसा बिहेव करते हैं, तो वो या तो हम उन्हें फिर मेल मानेंगे या फिर हम उन्हें फीमेल मानेंगे। ठीक है, कई बार ऐसे भी विदाउट लाइफ वाले यानी नॉन लिविंग ऐसे भी वर्ड होते हैं जिन्हें हम मेल या फीमेल मान लेते हैं। तो अब जब मेल मानेंगे तो वो आपका कैसा नाउन बन जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर होगा, और जब उसे फीमेल मानेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो आपका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर हम जानते हैं कुछ इंपोर्टेंट मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में। सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर, जैसे आपके एक वर्ड है सन। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूँ जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर ज़्यादातर ऐसे नाउन्स के यानी जो नॉन लिविंग होते हैं हम पर्सनिफाई कर लेते हैं उनके लिए किया जाता है जिनमें यानी उन नाउन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इस पॉइंट को बहुत याद रखिए अच्छी तरह से कि जिस नाउन में जिसे हमने पर्सनिफाई किया है उसमें बहुत ज़्यादा रिमार्केबल स्ट्रेंथ हो या बॉयलेंस हो, ठीक है, ऐसे नाउन आपके कैसे होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर होंगे। जैसे यहां पर एक वर्ड मैंने लिखा सन, सन में क्या है स्ट्रेंथ बहुत है, हीट बहुत ज्यादा है, ठीक। इसी तरह आपके एक वर्ड है समर, समर आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, याद रखिए समर कैसा नाउन है, मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक। इसी तरह जो विंटर है ये कैसा है आपका, ये भी मैस्कुलाइन जेंडर है। टाइम, टाइम भी आपका मैस्कुलाइन जेंडर है। एंड डेथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेथ भी आपका कैसा है, मैस्कुलाइन जेंडर ही होगा। जब भी हम इनके प्रोनाउंस लिखेंगे ना तो इनका प्रोनाउन आपको ही लिखना होगा ना कि सी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की, ये फेमिनाइन जेंडर कैसे पहचाने। तो फेमिनाइन जेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए कि एक ऐसा नाउन जिसमें आपकी ब्यूटी हो, कैसी हो, ब्यूटी, इसके अलावा ब्यूटी के अलावा जेंटलनेस हो, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस, ये पॉइंट याद रखें, ये आपका हो गया ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेटफुल ग्रेसफुलनेस। तो ऐसे नाउन आपके होंगे फेमिनाइन जेंडर, जैसे द मून, मून क्या है, ब्यूटी है, कैसा नाउन है, फेमिनाइन जेंडर में आता है। प्रोनाउन लिखना होगा तो आपको क्या लिखेंगे इसका, सी। नेक्स्ट है द अर्थ, द अर्थ आपका कैसा नाउन है, ये आपका फेमिनाइन जेंडर नाउन होगा, ठीक। ठीक इसी तरह और वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग, स्प्रिंग आपका फेमिनाइन जेंडर होगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑटम, ऑटम ये भी होगा आपका। नेचर, नेचर क्या ब्यूटीफुल होती है, तो नेचर आपका कैसा नाउन है, फेमिनाइन जेंडर। लायबिलिटी, लायबिलिटी भी आपका फेमिनाइन जेंडर है। नेक्स्ट है जस्टिस, जस्टिस भी आपका फेमिनाइन जेंडर ही होगा। इसके अलावा मर्सी, मर्सी मीन्स दया या कृपा, तो ये भी आपका फेमिनाइन जेंडर है। नेक्स्ट वर्ड है पीस, ये भी आपका कैसा नाउन होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। नेक्स्ट है होप, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका एक और है चैरिटी। ये सारे के सारे नाउन आपके कैसे होंगे, फेमिनाइन जेंडर में यूज किए जाएंगे, याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर बुक में ये सारी पॉइंट नहीं मिल पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हैं। अब इसके अलावा हम एक और पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो जितने वर्ड मैं बता रहा हूँ पर्सनिफाइड करके नॉन लिविंग को, मोस्टली पोइट्री में इनका यूज होता ही है ना, और वहाँ पर पोइट्री में इन्हें फेमिनाइन या मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में हम माने, या वर्ड के हिसाब से आप देख लें। इसके अलावा एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है सिप। अब कमेंट करके अभी ये बताइए कि सिप कैसा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर होगा या फेमिनाइन जेंडर होगा, ठीक है। चलिए मैं बता दूं कि सबसे पहली बात तो सिप कई बार आप प्रोस में यूज भी कर लेते हैं, पोइट्री में होता है फिर तो हमें सोचना ही होगा कि ये किस में आएगा, लेकिन जब वो प्रोस में यूज हो जाए तब भी ये आपका फेमिनाइन जेंडर ही होगा। सिप कैसा नाउन होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, और इसका जब भी हमें प्रोनाउन यूज करना होगा तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, आपका सिप, सॉरी सी। जैसे एक एग्जांपल ले लें, द सिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउन क्या लगाया, हर का यूज या सिफ के लिए, यानी कि हमने सिफ को क्या माना है, प्रोनाउन सी माना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, यदि अच्छी लगी तो कमेंट करना, इसका नेक्स्ट पार्ट 3 भी जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।